देखो सीआरपीसी में देखते हैं, अगला हम चैप्टर टू देखेंगे, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। तो धारा 6 देखते हैं कि दंड न्यायालयों के वर्ग जो है उनके बारे में उपबंध है कि उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्ग के दंड न्यायालय होंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं कि ये जो हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, और किसी विधि के अधीन जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके अतिरिक्त हर राज्य में क्या होगा, एक सेशन न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट होगा, उसके बाद द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट और एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। तो ये है आपका दंड न्यायालय होगा, ठीक है। तो ये बताती है धारा 6। अब देखते हैं धारा 7 जो है, कि धारा 7 जो बोलती है प्रादेशिक खंड के बारे में बताती है। तो देखिए इसका जो उपधारा 1 है वो बोलता है कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा, उसमें जिले होंगे, परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजनों के लिए एक पृथक सेशन खंड और जिला होगा। उपधारा 2 देखें कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं और संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। तो यहाँ पे देखिए राज्य सरकार जो करेगी उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी। उसके बाद उपधारा 3 देखें कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकेगी और ऐसे उपखंडों की सीमाओं और संख्या में परिवर्तन भी कर सकेगी। उपधारा 4 देखते हैं कि किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले, उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए हैं ऐसा समझे जाएंगे। अब देखिए धारा 8 जो है वो महानगर क्षेत्र के बारे में बोलता है। तो उपधारा 1 जो है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो ये फिगर याद रखिएगा आप, 10 लाख इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा। अब उसके बाद देखिए कि उपधारा 2 है वो बताती है कि इस संविधान के प्रारंभ से मुंबई, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए हैं ऐसा समझे जाएंगे। अब उपधारा 3 बोलती है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो 10 लाख से कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन के समय या सीमा बढ़ाते समय या कम करते समय यह ध्यान देंगे कि हमेशा वहां की जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो। उपधारा 4, जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र को घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहां ऐसा क्षेत्र ऐसी तारीख को और उससे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे कि महानगर क्षेत्र में नहीं रहेगा, किंतु महानगर क्षेत्र में न रहने पर भी ऐसी जांच, विचारण, अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, इस संविधान के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो कि वह महानगर क्षेत्र ही है। उपधारा 5 देखें कि जहां राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है, वहां ऐसी जांच, विचारण या अपील पर जो ऐसे कम करने का या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण या अपील इस संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो कमी या परिवर्तन न हुआ हो।
स्पष्टीकरण देखते हैं कि इस धारा में जनसंख्या पद से नवीनतम पूर्ववर्ती जनगणना में तथा अनिश्चित वह जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े जो हैं वो प्रकाशित हो गए हैं। धारा 9 सेशन न्यायालय के बारे में उपबंध करता है। उपधारा 1 देखते हैं कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय की स्थापना करेगी। उपधारा 2 प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि सेशन न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उपधारा 3 उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय क्या करेगा, अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। उपधारा 4 जो है उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंडों के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय जो है निर्देश दे। उपधारा 5 देखते हैं कि जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहां उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है और ऐसी प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी। उपधारा 6 देखते हैं कि सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों को और साक्षियों को सुविधा होगी तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस स्थान में निपटाने के लिए उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है। स्पष्टीकरण देखें, इस संहिता के प्रयोजन के लिए नियुक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ या राज्य के कार्यपालकों के संबंध में किसी सेवा या पद में किसी व्यक्ति का प्रथम नियुक्ति, पद स्थापना, पदोन्नति नहीं है। जहां किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, पद स्थापना या पदोन्नति सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है। धारा 10 सहायक नेशन सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। तो सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। तो सब सेशन न्यायाधीश जो हैं वो सेशन न्यायाधीश के अधीन होंगे। सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता के संगत नियम समय समय पर बना सकते हैं। उपधारा 3 देखते हैं कि सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है। धारा 11 जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में उपबंध करता है। उपधारा 1 कहती है कि प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय जिस किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती हैं और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है।
उपधारा दो देखें कि ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो कि किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। धारा 12 देखते हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इत्यादि। तो उपधारा 1, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाएगा, सीजेएम, और ये जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे होंगी। उपधारा 3 का, उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। ख, प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करेगा। धारा 3 देखते हैं, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। उपधारा 1, यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों में या विशेष वर्ग के मामलों में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदान कर सकता है। परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी महानगर क्षेत्र में के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। धारा 14 देखते हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। उपधारा 1, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों में स्थानीय सीमाओं परिनिश्चित कर सकती हैं जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएं। परंतु विशेष मजिस्ट्रेट या न्यायालय का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है। उपधारा 2 देखते हैं कि ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। उपधारा 3, जहां धारा 11 और धारा 13 और धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथास्थिति उस जिले या महानगर क्षेत्र के जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठक करता है बाहर किसी क्षेत्र तक है वहां इस संहिता के सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। धारा 15, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। उपधारा 1, प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन
सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। उद्धारा दो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। धारा 16 देखते हैं कि महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, उपधारा 1, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। उपधारा 2, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और उपधारा 3, प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होगा। धारा 17, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय, उपधारा 1, उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। उपधारा 2, उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के सब या कोई शक्तियां जिनका उक्त न्यायालय निर्देश दे होंगी। धारा 18, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। उपधारा 1, यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई ऐसा पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामलों में या विशेष वर्ग के मामलों में संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या किन्हीं कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है, परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी शक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। उपधारा 2, इस मजिस्ट्रेट ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। उपधारा 3, यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। धारा 19, उपधारा 1 कहती है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। अब देखते हैं कि उपधारा 2, उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजनों के लिए परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक यदि हो कोई हो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। और उपधारा 3 बोलती है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता के संगत नियम बना सकेगा, विशेष आदेश दे सकेगा। धारा 20 देखते हैं कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपधारा 1, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। उपधारा 2, राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की वे शक्तियां होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। उपधारा 3, जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के अस्थायी रूप से उत्तरदायी होता है तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित की जाए। उपधारा 4, राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक अधिकारी बना भार साधक बना सकती है और उसको
भार साधन से मुक्त कर सकती है, और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। उद्धाराचार का राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उद्धाराचार के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती हैं। उद्धारा 5, इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदान करने से राज्य सरकार को प्रभारित नहीं करेगी। धारा 21 देखते हैं, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे नियुक्त कर सकती है, और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियां जिन्हें वह उचित समझे इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकती है। धारा 22, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थ अधिकारिता। उद्धारा 1, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर पूरे क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है, जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का जो उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाए। और उद्धारा 2, ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उनके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। धारा 23, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। उद्धारा 1, अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो हैं जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, और उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखंड में शक्तियों का प्रयोग कर रहा है जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होंगे। उद्धारा 2, जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट का को कार्य आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता के अधीन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। धारा 24, लोक अभियोजक। उद्धारा 1, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या उच्च सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात यथास्थिति केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस न्यायालय में किसी अभियोजन अपील या अन्य कार्यवाहियों के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। उद्धारा 2, केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। उद्धारा 3, प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। देखिए, परंतु एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। उद्धारा 4 जो है, जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसी व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने योग्य हैं। उद्धारा 5 बोलता है कि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उद्धारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। उद्धारा 6, उद्धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है, वहां राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार उद्धारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी। स्पष्टीकरण देखते हैं, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए का अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर से अभियोजन अधिकारियों का वह काडर अभिप्रेत है जिसमें लोक अभियोजक का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पद सम्मिलित है, और जिसमें उस पद पर सहायक लोक अभियोजक की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पदोन्नति के लिए उपबंध किया गया है। ख, अभियोजन अधिकारी से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने के लिए इस संहिता के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो।
उपधारा सात, कोई भी व्यक्ति उपधारा एक और उपधारा दो और उपधारा तीन और उपधारा छह के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी तक होगा जब तक वह कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। उपधारा आठ, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार किसी मामले में किसी वर्ग के मामलों में प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय कर रहा हो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पे विशेष लोक अभियोजक के लिए 10 वर्ष का अनुभव चाहिए, परंतु न्यायालय इस धारा के अधीन पीड़ितों को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकता है। उपधारा नौ, उपधारा सात और उपधारा आठ के प्रयोजनों के लिए उस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो सेवाएं की हैं, चाहे इस संहिता के प्रारंभ में पहले की गई हो या पश्चात, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। धारा 25 देखते हैं, सहायक लोक अभियोजक। उपधारा एक, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। धारा एक का, केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों में संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। उपधारा दो जैसा उपधारा तीन में उपबंधित है के सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा। तो जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा कि का यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके बारे में आयुक्त अभियोजित किया जा रहा है, और दूसरा यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है तो वह नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं धारा 25 का अभियोजन निदेशालय। उपधारा एक, राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उप निदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे। उपधारा दो, कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। उपधारा तीन, अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। तो किसके नियंत्रण के? गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। उपधारा पांच, राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा एक और उपधारा आठ के अधीन उच्च न्यायालयों के मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, तो प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। उपधारा छह, राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा तीन या उपधारा आठ के अधीन जिला न्यायालयों के मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, और जो धारा 25 की उपधारा एक के अधीन नियुक्त किया गया है प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक जो अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होगा। उपधारा सात, अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक की शक्तियां तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया जाएगा वे होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। और उपधारा आठ, लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा सीआरपीसी में चैप्टर 2, और कल की क्लास में देखेंगे हम चैप्टर 3, न्यायालयों की शक्तियां। हेमंत सर।